दोस्तों आज की इस वीडियो में हम द ऑक्सफोर्ड जूनियर डिक्शनरी जो हमारे साथ सेकेंड एडिशन इनकी है कुछ नए अल्फाज के साथ हम हाजिर है। तो सबसे पहले हमारे साथ है आंसर। आंसर का उर्दू में मतलब है जवाब देना। टू से समथिंग टू समवन हु हैज़ आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, यानी कोई आपसे सवाल करता है तो उसको आप कोई जवाब देते हो। टू से समथिंग कोई चीज़ कहना या कोई बात कहना। टू समवन किसी को, हु हैज़ आस्क्ड जिसने पूछा है, यू आपसे अ क्वेश्चन एक सवाल, यानी कोई आपसे एक सवाल पूछता है और आप उसका जवाब देते हो तो उसके लिए हम आंसर बोलते हैं। अंग्रेज़ी में हम इनको आंसर और उर्दू में हम इनको जवाब देते हैं। वट इज़ सिक्स मल्टीप्लाई बाई सेवन, यानी सिक्स को जब हम सेवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस चीज़ के बराबर होता है। कैन एनी वन आंसर, कोई इसका जवाब दे सकता है। समथिंग दैट इज़ सेड, कोई ऐसी चीज़ जो कि कही जाती है आर डन या की जाती है इन रिटर्न वापसी में। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो। यू विल गेट इन आंसर के आप एक जवाब दूंगे। टू यूर लेटर अपने खत का। एंट, एंट मीन 20, यानी एक छोटा सा जानवर होता है, कीड़ा होती है। ए टाइनी इंसेक्ट, एक छोटा सा कीड़ा है, एंट हम इनको बोलते हैं। एंटार्कटिक, एंटार्कटिक अ वेरी कोल्ड सी, यानी ये बहुत ज़्यादा ठंडा समंदर है। एंड लैंड और ज़मीन भी है, यानी खुश्की और तरी दोनों इलाका है। इन द साउथ ऑफ द वर्ल्ड, ज़मीन जो हमारी दुनिया है उसके जुनूबी हिस्से की तरफ, यानी ये एंटार्कटिक का जो एरिया है वो साउथ एरिया में होता है हमारे वर्ल्ड के। एंटीलोप, एंटीलोप बारासिंगा को हम बोलते हैं। अ वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर है। दैट लुक्स, जो कि दिखाई देता है लाइक अ डियर, एक हिरन की तरह, यानी इनको हम बारासिंगा भी बोलते हैं। ये एक जंगली जानवर है जो कि एक हिरन की तरह दिखाई देता है। एंटीलोप्स आर फाउंड इन अफ्रीका, ये अमूमन अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन पार्ट्स ऑफ एशिया, और एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी ये पाए जाते हैं। एंटीक, यानी से एंटीक, एंटीक समथिंग ओल्ड, यानी कोई चीज़ जो पुरानी होती है। दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल, जो बहुत कीमती होता है, यानी कोई चीज़ जो पुरानी होती है, मतलब ओल्ड इज़ गोल्ड, जितनी वो पुरानी होती है उतनी वो कीमती होती है। समथिंग ओल्ड, कोई चीज़ जो पुरानी होती है। दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल, जो बहुत कीमती होता है। माई मदर कलेक्ट्स एंटीक्स, यानी हम मेरी माँ जमा करती है पुरानी जो चीज़ें होती है, कीमती चीज़ उनको जमा करती है। इनजॉयस वरीड, एंजियस वरीड, यानी घबरा जाना। शी वॉज एंजियस, वो घबराई हुई थी। वेन ही वॉज लेट होम, जब वो देर से आया घर में, यानी जब वो घर के में आने के लिए जब वो आ रहा था, जब वो लेटता तो वो बहुत घबराई हुई थी। एनी यानी कोई, सम या कुछ जो भी होता है। हैव यू एनी वूल, क्या आपके साथ कोई ऊन है। एट आल यानी पूरा जो होता है। यू आर एनी बेटर, अभी आप बेहतर हो कि नहीं। एनी बॉडी एनी वन, यानी एनी पर्सन, एनी बॉडी एनी वन, इनका मतलब होता है एनी पर्सन, कोई भी शख्स जो होता है। एनी थिंग कोई चीज़, एनी थिंग किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं। इट्स सो डार्क, यानी इतनी तारीकी है। आई कैन नॉट सी एनी थिंग, कि मैं कोई भी चीज़ नहीं देख सकता या नहीं देख सकती, यानी इतनी तारीकी है, इतना अंधेरा है कि मैं कोई भी चीज़ नहीं देख सकता हूँ। एनी वेयर इन एनी प्लेस, किसी भी जगह। एनी वेयर किसी भी जगह, कोई भी प्लेस जो होती है उनको हम बोलते हैं। ए पार्ट, ए पार्ट मीन दूर, अवे फ्राम ईच अदर, एक दूसरे से जब दूर होती है तो उनको हम ए पार्ट बोलते हैं। लंदन एंड सिडनी आर फार अपार्ट, लंदन और सिडनी एक दूसरे से दूर है। एप
बन मांस यानी बंदर की तरह जो जानवर होता है जिसको हम बिन मांस भी बोलते हैं। बन मांस या बिन मांस। एप एन एनिमल, ये एक जानवर है। लाइक लार्ज मंकी, एक बहुत बड़ी मंकी यानी बंदर की तरह। विद लॉन्ग आर्म्स, जिनके बड़े बड़े बाजू होता है। एंड नो टेल, लेकिन इनकी टेल यानी दुम नहीं होती है। यानी ये एप जो होता है ये बिन मांस कहलाता है। ये बिल्कुल एक बड़ी मंकी की तरह होती है, लेकिन इनके बड़े बड़े बाजू होते हैं और इनका टेल नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो में जो मुख्तलिफ़ मीनिंग्स मैंने आपको बताए, उम्मीद है आपको इनकी समझ आएगी। तो यहाँ पे हमारे साथ एक और भी है, एपोलोजाइज मीन माजरत ख्वाह होना, माफ़ी चाहना। एपोलोजाइज माजरत ख्वाह होना, टू से दैट यू आर सॉरी, ये कहना कि आपको सॉरी है यानी आपको शर्मिंदगी है या आपको माफ़ी का तलबगार हो या आप माफ़ी चाहते हो। फॉर डूइंग, करते हुए। समथिंग रॉन्ग, कोई चीज़ गलत करने पर आप सॉरी कहते हो यानी माफ़ी मांगते हो, तो इसको हम अपोलोजाइज भी बोलते हैं। एपरेटस, एपरेटस मीन औजार, आलात। स्पेशल थिंग्स, मुख्तलिफ जो खसूसी चीज़ें होती है। दैट यू यूज़, जो आप इस्तेमाल करते हो। फॉर डूइंग समथिंग, कोई चीज़ इस्तेमाल, जो कोई काम आप करते हो उनके लिए जो कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हो, तो उसको हम एपरेटस यानी औजार बोलते हैं।